Hello everyone, welcome back to Mantra. My name is Rajeshwari Sharma and today we are beginning with a very interesting poem, Fire and Ice. Uh, it is written by Robert Frost and Robert Frost ke bare mein kuch is important. Uh, Robert Frost is a nature poet, okay? He is a nature poet and basically he deals with uh, the poems that आर अबाउट नेचर मतलब वो क्या करता है कि वो ह्यूमन इमोशंस जो है वो नेचर में डालने की कोशिश करता है ही ट्राइज़ टू कम्पेयर ही ट्राइज टू एनालाइज द इन डेप्थ इमोशंस ऑफ ह्यूमन बाई आर नेचर सो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं जैसे कि वॉल, ओके रोड नाट टेकन ये आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है राइट और अभी आप लोग नई पोएम और एक पढ़ोगे डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस एंड मैनी मोर ठीक है बोर्चेस वगैरह बहुत सारी ऐसे पोएम्स है जिसके अंदर उसने हम लोगों को नेचर से रिलेटेड चीज़ें बताई है बट आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स के अंदर कि ही राइट्स काइंड ऑफ अ डिप्रेसिंग पोएम्स क्यों लिखता है वो पता है ये सब चीज़ें बिकॉज उसको ह्यूमन इमोशंस के बारे में ज़्यादा पता है उसको ये लगता है कि जो चीज़ें हम लोगों की आँखें नहीं बोलती है यू नो दीज थिंग्स आर यू नो काइंड ऑफ कैरिड अवे और काइंड ऑफ ट्राइंग टू कैसे बोलूँ मैं उसको रिफ्लेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ योर हार्ट ओके एंड वेन अवर योर राइटिंग इट्स ऑब्वियसली इट इज रिटन बाय योर हार्ट योर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ Uh, any of the uh, things like nature, you're talking about emotions, you're talking about human kuch bhi ho, it is going to be related through your heart, it is going to be written by your heart एंड इसी वजह से वो इस चीज़ों पर फोकस करता है ओके ही बिलीव्स दैट फायर एंड आइस इस पोएम के अंदर उसने क्यों ये टॉपिक दिया है ठीक है इसकी पोएम्स डिप्रेसिंग होने का एक और रीज़न है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो डैड थे वो पहले से ही लाइक ही वॉज़ बॉर्न इन टू फैमिली वेरेंट उसके जो डैड थे वो एल्कोहलिक थे एंड उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहा करती थी सो so, सिमिलरली उस चीज़ का असर एक बच्चे पर पड़ेगा एंड उसकी पोएम्स में हम लोगों को ये चीज़ रिफ़्लेक्ट करती हुई दिखाई देती है Okay, so let's begin with a poem, Fire and Ice. Before beginning with it, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि फायर एंड आइस दोनों भी एक डिफरेंट कम्पोनेंट्स है दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इच अदर येट इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ कैसे होती है ये रॉबर्ट रॉस ने हमको इस पोएम में बताया है ना फायर लव ना मतलब फायर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट क्रूएल्टी फ्यूरी ग्रीडी ग्रीडीनेस यू नो मतलब इट इज़ एवरीथिंग नेगेटिव राइट हम लोगों को क्या लगता है फायर मतलब इट्स नॉट समथिंग गुड ओके इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग अबाउट समथिंग गुड इन आर लाइफ ओके इट्स गोइंग टू ब्रिंग ग्रीड ग्रीड इट्स गोइंग टू ब्रिंग क्रुअल्टी इट्स गोइंग टू ब्रिंग फ्यूरी ओके एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है जो फायर अपने लाइफ में ला सकती है सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट आइस ठीक है सो अगर हम लोग इसके सिम्बॉलिजम पर जाएँ ठीक है तो आइस क्या हमें रिप्रेजेंट कर रही है इट इज़ शोइंग एस कामनेस बट ऑन द सेम लेवल इट इज शोइंग एस हेटरेड राइट अगर हम लोग आइस की बात करें ठीक है तो आइस जो है वो हम लोगों को दिखने में लगता है इट इज़ वेरी काम इट इज़ समथिंग जिसके यू नो वजह से हम लोगों को कहीं भी इफेक्ट नहीं होगा इट इज़ नॉट गोइंग टू किल अस और इट इज़ नॉट गोइंग टू यू नो मेकअस फील डिफरेंट बट आइस जो है इट कुड बी रिप्रेजेंटेड विथ हेटरेड ओवर यू इन दिस पोएम बिकॉज हेटरेड क्या है आइस इज गोइंग टू क्रिएट अ नमनेस इन यूर बॉडी राइट हम लोगों की बॉडी को वो नम कर देगी आइस एंड उस वजह से क्या होगा इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ रीज़न वेरी वेरिन इट कैन किल अस ओके वी कैन डाई बिकॉज ऑफ इट ओके अब इसने ये जो चीज़ें जो यूज़ की हुई है इसने ये ह्यूमन इमोशंस में कहाँ से लाई है वो हम लोग अभी रीड करके देखते हैं फायर एंड आइस जो है वो एक नाइन लाइन पोएम है ओके प्लीज रिमेंबर दिस दिस इज़ अ नाइन लाइन पोएम एंड ये सिर्फ एक ही स्टैंडा में लिखी गई है ठीक है देर आर नो टू टू थ्री स्टैंडाज इन अ पोएम एक स्टैंडा पोएम का ये होता है जहाँ पे उन लोग हम लोग उसको डिफ्रेंस uh, पैराग्राफ्स जो होते हैं हम उसे स्टैजा बोलते हैं पोएम में बट फायर एंड आइस इज़ वन सिंगल स्टैंडा पोएम एंडल इट कम्प्राइजेस ऑफ नाइन लाइन्स ओके इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे मगर ऐप पर करेंगे वो सब चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब के लिए सिर्फ हम लोग इतना जानना जरूरी है दट नाइन लाइन्स पोएम है एंड इट इज इट इज़ अ सिंगल स्टैंड पोएम ओकेट्स लेट्स रीड द पोएम एंड सी की क्या एग्जैक्टली exactly इसने लिखा है इसमें सम से द वर्ल्ड विल डाई इन फायर सम से इन आइस इट इज़ वेरी सिंपल राइट कुछ लोगों का मानना यह है कि कुछ जो है आइस से मरेंगे और कुछ फायर से मरेंगे यहाँ पर हम लोगों को सिम्बॉलिजम याद रखना है हमेशा कि वो क्यों सिम्बलाइज कर रहा है राइट right? कि क्यों कहाँ से क्यों कहाँ से आ रहा है ये कि फायर से मरेंगे और आइस से मरेंगे बिकॉज फायर इज़ रिलेटेड टू ग्रीड क्रोयल्टी एंड फ्यूरी एंड आइस इज़ रिलेटेड टू हेटरेड ओके इट इज़ रिलेटेड टू नमनेस इन आर बॉडी इट्स गोइंग टू क्रिएट नमनेस फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद हु फेवर फायर अब वो क्या बोल रहा है कि लाइफ जो है इट्स गोइंग टू ब्रिंग अबाउट मेरी थिंग्स राइट इट्स गोइंग टू ब्रिंग अबाउट मनी अप्स एंड डाउंस इन योर लाइफ देर आर गोइंग टू बी बैनी इंसिडेंट्स देर आर गोइंग टू बी मनी केसेस जहां पर तुम लोगों को लगेगा कि नहीं थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द वे आई हैव प्लैंड ओके दिस इज द प्लेस वेयर फायर एंड आई आर गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल राइट लेकिन वो क्या बोल रहा है बट फिर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है कि मुझे आज भी लगता है कि आई एम गोइंग टू सपोर्ट फायर बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यू you नो know, इट्स समवेयर और दी अदर फायर इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर मैस वैन यू नो इट्स द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड ओके बिकॉज क्यों अगर फायर कुछ किसी के अंदर ज़्यादा है ओके अब सपोज हम लोग साइंटिफिक uh, वे में देखते हैं पहले एंड देन हम लोग आते हैं लिटरेरी वे में साइंटिफिक वे में अगर देखेंगे तो सो so फायर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को ये पता चलता है कि अगर फायर एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाए अगर हीट एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाए तो हम लोगों को क्या होगा जो अर्थ का सरफेस है इट विल गेट हीट अप एंड देन कहीं ना कहीं हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो राइट right? सिमिलरली लेकिन फायर अगर हम लोग ह्यूमन इमोशन से कंपेयर करें अब हम लोग लिटरेरी बेसिस पर आ जाते हैं अगर सपोज हम ह्यूमन इमोशन से कंपेयर करें तो क्या आपको लगता है कि ग्रीड क्रूवल्टी फ्यूरी फ्यूरी मतलब एंगर ओके okay, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन को बर्बाद कर देगी कहीं ना कहीं किल कर देगी उसके इमोशंस को राइट इट इज़ गोइंग टू गिव अ मेनी 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 मीनिंग्स इसके अंदर निकलने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी साइंटिफिक, इट्स गोइंग टू बी लिटरेरी, इट्स गोइंग टू बी बेस्ड ऑन आर इमोशन इज गोइंग टू ऑन सम वन सेल्स इमोशंस सो इट्स गोइंग टू बी लाइक सो मेनी डिफरेंट ओपिनियंस इन अ सिंगल पोएम दिस इज वॉट रॉबर्ट प्रोसेस ऑल अबाउट ओके सो हम लोगों को इन इन एनी विच वे फायर इज गोइंग टू हार्मस ठीक है बट वो क्या बोल रहा है इंस्टेड ऑफ टेकिंग यू नो साइड ऑफ आइस आई वुड स्टिल से कि फायर जो है वो ज़्यादा कुछ फेवर करने वाला है इस यू नो डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी के भी लाइफ को ओके सो लेट्स जस्ट मूव एंड सी कि आगे क्या बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वर्ड सफाइस

कैन यू जस्ट टेल मी समथिंग अगर हम लोग वर्ड मीनिंग के थ्रू जाएँ तो क्या डिसअपियरेंस लाइफ में कब होगा वैन किसी की डेथ हो जाएगी द पर्सन विल डिसअपियर राइट बट वो क्या बोल रहा है बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस क्या कोई पर्सन दो बार मर सकता है नहीं नथिंग कैन बी री यू नो कम टू बर्थ ट्वाइस एंड नथिंग कैन डाई ट्वाइस ओके सो दिस इज वॉट ही सेंग कि वो दो बार नहीं हो सकता ओके okay? लेट्स मूव ऑन आई थिंक आई नो इनाफ ऑफ हेट टू सेट फॉर द डिस्ट्रेक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट ओके वो क्या कह रहा है कि फायर तो फायर मगर अब मुझे लगता है कि आइस इज़ ऑल्सो नॉट अ रॉन्ग चॉइस वेन इट कम्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ वाई डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस आइस से क्या हो रही है नमनेस हो रही है राइट अगर कोई इंसान पूरा यू नो चिल्ड अप हो रहा है पूरा अगर उसको ठंड uh, लग रही है तो यू डोंट थिंक कि हम लोगों का ठंड एज एन इन साइंटिफिक वे साइंटिफिक वे अगेन हम लोग जाएंगे अगर किसी को बहुत ठंड लग रही है एंड यू नो उसका पूरा जम गया है उसका बॉडी एंड तब उसका डेथ होना डेफिनेटली पॉसिबल है लेट्स कम टू ह्यूमन इमोशंस नाउ। अगर सपोज कोई इंसान अपने मन में, में कोल्ड वॉर वाला यू you नो know, चीज़ चल रही है हमारे मन में, में बहुत सारी चीज़ें हैं हम उसे सप्रेस किए जा रहे हैं सप्रेस किए जा रहे हैं हम कुछ बोल नहीं रहे हैं एक टाइम आएगा मैन यू विल जस्ट कम आउट एंड यू विल जस्ट से कि बस्त हो गया आग, you know, it's, it's अब यू नो इट्स इट्स अगेंस्ट माई लिमिटेशन एंड अब मुझसे नहीं सहन हो रहा है दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट हेट्रेड इन दैट माइंड इन द पर्सनस माइंड राइट उसके दिल में वो इतने टाइम से जो उसने दबा दबा करके रखा हुआ है इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम वेर ऑर दिय अदर नमनेस राइट तो इसी वजह से वो कह रहा है कि चल फायर uh, तो फायर लेकिन आइस भी कुछ कम नहीं है इवन दैट इज गोइंग टू क्रिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशन्स ओके एंड वो कह रहा है एंड वर्ड सफाइज मतलब वो बोल रहा है इट इज़ नॉट इवन दैट इन सफिशियंट उसके अंदर भी वो केपेबिलिटीज़ है किस में आइस में भी वही केपेबलिटीज़ है जो फायर में हैं Right? वो क्या है? हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कि जो ह्यूमन इमोशंस है इट इज़ लाइक टू टाइप्स ऑफ एजम्पन्स हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते एक एजम्पन कि हम लोगों का डिस्ट्रैक्शन किससे हो सकता है या फिर हो सकता है फायर से मतलब हम लोगों के इसमें बहुत सारी एनिमिटी आ रही है ग्रीड आ रही है और एक कहाँ पर हो सकता है आइस से इवन दो यू आर क्वाइट इनाफ़ यू आर काम इनाफ़ बट कहीं ना कहीं आपके मन में यू you नो know, वो चीज़ है कि नहीं यू you नो know, मेरे मन में अब वो एक यू you नो know, एक पर्सपेक्टिव बन चुका है किसी पर्सन के

और वो देखना चाहते हैं तो उन लोगों को भी आप दिखा दीजिएगा वो चीज़ें राइम स्कीम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी कौन सी है फायर एंड आइस के अंदर राइम स्कीम कैसी होगी ओके okay? राइम स्कीम चेक करते हुए हमेशा हम लोग लास्ट वर्ड देखते हैं ओके लास्ट वर्ड्स कौन से कौन से फायर आइस डिज़ायर फायर ट्वाइस आइस ठीक है ये सब लास्ट जो वर्ड्स है वो हम लोग कंसिडर करते हैं वाइल चेकिंग आउट द राइम स्कीम ओके ना फायर ठीक है जब हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट वर्ड फायर तो हम लोग ए यहाँ पे लिख देते हैं ओके okay? अब देखेंगे कि फायर से कौन सी वर्ड राइम कर रही है जो भी वर्ड राइम करेगी हम उसको सेम दे लेटर दे देंगे अगर वो राइम नहीं कर रही है तो हम उसे दूसरा वर्ड देंगे चलो लेट्स सी फायर आइस क्या राइम हो रहा है ये नहीं हो रहा है तो मैं आइस को दूसरा वर्ड दूंगी ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा बी ओके फायर आइस डिज़ायर फायर डिजायर फायर डिजायर इट्स राइमिंग राइट फायर डिजायर राइट तो हम लोग क्या करेंगे ये और ये सेम है डिज़ायर और फायर राइम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर भी इसका वाला वर्ड लिखूंगी ओकेंग टू बी एकेट्स मूव ऑन फायर आइस डिजायर फायर अगेन फायर फायर डिजायर फायर राइट यहाँ पर भी हम लोगों को दिख रहा है आइस से हो रहा है क्या ये नहीं हो रहा है तो हम लोग आइस वाला छोड़ देंगे अगेन विल राइट वॉट ए विल राइट ओके फायर डिजायर फायर तीनों भी राम कर रहे हैं एक दूसरों से सो विल राइट ए ए एके अब ट्वाइस आइस ट्वाइस कैन वी सी द राइम आइस टाइस ओके तो जो आइस के आगे वर्ड है वही हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट यूज करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी बी और राइट ओके ऑन हेट हेट ट्वाइस हेट फायर दोनों भी नहीं हो रहे हैं ट्वाइस कुछ भी नहीं हो रहा है सो वॉट वील डूर्स वील राइट आर एल्फोबेट न्यू अल्फोबेट ओवर योर जो है सी नो लेट्स अगेन सी आइस ट्वाइस आइस हेट आइस हेट हो रहा है नहीं आइस ट्वाइस हो रहा है हो रहा है आइस फायर हो रहा है नहीं हो रहा है So, हम लोग क्या दिख रहा है आइस और ट्वाइस हो रहा है यहाँ पे कौन सा वर्ड था सॉरी uh, यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट था बी था तो हम लोग यहाँ पे भी बी लिखेंगे ओके ग्रेट हेट ग्रेट आइस ग्रेट हेट ग्रेट हेट वी कैन सी प्राइम हो रहा है तो so, हेट के यहाँ पे क्या है सी है अल्फाबेट सो ग्रेट के यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा एंड सफाइस आइस सफाइस ट्वाइस ट्वाइस एंड देखो एंड दिख रहा है आपको समझ में आ रहा है कि हो रहा है राइम ऐसे चेक करते हैं ओके जस्ट वी हैस्ट नीड टू फोकस ऑन द लास्ट लेटर एंड हमें चेक करना है कि उसमें राइमिंग वर्ड कौन से कौन से आ रहे हैं ओके एंड देन वील जस्ट स्टार्ट पोटिंग अप दल्फेबेट नियर दैम ओके सो आई होप आपको राइन स्कीम समझ में आया है कि क्या होता है इन यू नो स्मॉल जस्ट अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बाकी से हम लोग हम लोग ऐप पर पढ़ेंगे ओके गाइस सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली चेक की वॉट आर द पोएटिक डिवाइसिस यूज इन द पोएम फायर एंड आइस नाउ बिफोर बिगनिंग विद पोएटिक डिवाइसिस आई वॉन्ट टू क्लियर कि क्या होते हैं पोएटिक डिवाइसिस अगर हम लोग राइम स्कीम एंड ये सब चेक कर रहे हैं मतलब इसके हम पोएटिक डिवाइसिस चेक कर रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में कर लिया है राइट राइम स्कीम वी टॉक अबाउट स्टैंडजार वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ स्टैंड नंबर ऑफ वर्ड्स जो भी हम लोग यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड एज पोएटिक डि

दे आर यूज बिकॉज टू गिव अ पोएम अ टच ऑफ ह्यूमन क्वालिटी राइट वी कैन ऑलरेडी फील इट वाइल रीडिंग कोई भी अगर हम लोग पोएम रीड करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में हम लोग उस पोएम को फील करने लगते हैं हम उसको अपने लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं वाई डू वी डू इट बिकॉज द पोएट इज यूजिंग लिट्रेरी डिवाइस इन द पोएम ठीक है वो एक ह्यूमन इमोशंस के साथ में कनेक्ट कर रहा है एंड हैंस उसको लिटरेरी डिवाइस यूज़ करने पड़ते हैं लेट्स ये कि इसमें कौन से कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं फर्स्ट है सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है राइट हम लोगों को क्या कर रहा है वो कंटिन्यूसली हम लोगों के फाइव टू फाइव सेंसेस जो भी है ठीक है सेंसरी जो ऑर्गेन्स हम लोगों के वो यूज़ करने पर हमको मजबूर कर रहा है राइट इसी वजह से ये चीज़ को हम कहेंगे इमेजरी ओके okay? सो वट आर वी गोइंग टू कॉल इट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज इमेजरी वेर एन आपके सबके सब सेंसेस यूज हो रहे हो तब हम लोग उसे कहेंगे राइट हम लोगों को वो सोचने पर मजबूर करें ना कि सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर इट्स क्वाइट यू नो ट्रिकी बट इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन थॉट यू नो हम लोग को एक थाट प्रोवोकिंग चीज़ आती है दिमाग में कि यार ऐसा क्यू ऐसा क्यूँ हो रहा है सो ये क्यू वर्ड है ना दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट द इमेजरी इन द सेंटेंस

टू से दैट फॉर destruction आइस इज ऑल्सो ग्रेट चलो ये देखते हैं टू से दैट द ice टू also great even this is a thought provoking right हम लोगों को ये सोचने पर ये वाला सेंटेंस भी मजबूर कर रहा है राइट right? तो हम लोग इसको भी क्या लिखेंगे इमेजरी लिखेंगे ओके okay? ये भी इमेजरी है राइट right? uh, इसके अलावा यहाँ पर जहां पे मैंने एलिट्रेशन बोला है वहाँ पर एक और एक फिगर्स ऑफ स्पीच दिखाई दे रही है सी कैन यू सी होल्ड एंड दोस दिख रहा है आपको होल्ड दोस ये दोनों के अंदर आप लोगों को जो वॉवल्स है राइट यू नो द वॉवल्स राइट ए ई आई ओ यू एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट देर आर फोनेटिक डिवाइस यूज जहाँ पर हम लोगों को ओ का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है जब हम लोगों को ऐसे वॉवल के साउंड्स रिपीट हो रहे होते हैं इट इज ऑल्सो कॉल एज एनाफोरा ओके सो यू फाउंड टू इम्पॉर्टेंट figures of speech, or you can say literary device now in the single sentence, right? In a single line, hold those, hold those. हमलोग जब बोलते हैं तब हमलोग का o वाला word ज़्यादा हो रहा है focus. okay जब ऐसे जब, जब sentences use होते हैं तब it is called as anaphora. यहाँ पर fever fire, f f repeat हो रहा था word नहीं सिर्फ letter. okay एफ एफ लेटर रिपीट हो रहा है सो वी फाउंड सो मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें और भी फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे आप लोग मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज इन होल पोएम इज पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर यूज हो रहा है इट इज यूज इन टाइटल इट सेल्फ ओके फायर एंड आइस ये पर्सोनिफाइड है परसोनिफिकेशन क्या होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब हम लोग ह्यूमन क्वालिटी देते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन ठीक है हम लोग एक पर्सन ह्यूमनली लाइवली क्वालिटी उस उस नॉन लिविंग थिंग को देते हैं तब इट इज़ कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन फायर फायर को हम लोगों ने ह्यूमन क्वालिटी दिया क्या हम लोग ने दिया सेल्फ डिस्ट्रक्शन का क्वालिटी दिया आइस को हमने कौन सा ह्यूमन क्वालिटी दिया इट कैन नंब यू ओके इट कैन क्रिएट हेटरेड ओके दीज आर द्यूमन क्वालिटीज हम लोगों ने ये दी हुई है हैंडस इट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन ओके आई होप आप लोगों को लिटरेटरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस का डिफरेंस पता चला हो इसके बारे में भी हम लोग इन डेप्थ ऐप पर पढ़ेंगे ओके सो सो दैट इज इट फॉर टूडेज लेक्चर आई होप यू अंडरस्टेंड कि फायर एंड आइस कैसे दो डिफरेंसेज होने के बाद में भी सिमिलैरिटीज़ है उसके अंदर कैसे हम लोगों के अंदर दो डिफरेंट थिंग्स ओके फायर एंड आइस जिसका कोई कंपेरिजन भी नहीं हो सकता वो उसको कितनी ब्यूटिफुल रॉबर्ट रॉस ने सिमिलैरिटीज़ देते हुए हम लोग को एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन इमोशंस खुद अपना डिस्ट्रैक्शन करेंगे इट कैन बी ई द बाई फायर और बाय आइस आई होप यू अंडरस्टैंड आई आई होप यू अंडरस्टेंड दिस पोएम सो कीप लर्निंग एंड कीप विजिटिंग एड्यूमंत्रा हम लोगों ने एक नया अभी ऐप स्टार्ट किया ऐप पर स्टार्ट किया हुआ है अभ्यास बैच जो है नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए ओवर देर आई एल बल्सो टॉक अबाउट मेनी लिटरे डिवाइज एंड पोट्रिक डिवाइसेज जहाँ पर आप लोगों को काम में आएगा नाइन्थ स्टाइन के बच्चों को टेंथ स्टैंडर्ड में हेल्प आउट होने के लिए जो तो चीज़ें हम लोग मैं अभी टेंथ में बता रही हूँ वो अगर आप नाइन्थ से ही सीख लो तो टेंथ में जाने के बाद आपको तो में आपको इट विल भी मच मोर ईजियर सो दैट्स ऑल आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कीप विजिटिंग एड्यूमंत्रा बाय बाय